जेल में बंद है पर हेकड़ी अभी भी जारी है। वो कभी मसाज कराता है तो कभी देता है खुलेआम धमकी। मंत्री से कैदी बने सतेंद्र जैन का विवादों से है गहरा नाता। देखिए क्यों मंत्री महोदय को आया गुस्सा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सतेंद्र जैन पर जेल अधिकारियों ने धमकी देने के आरोप लगाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने डीजी जेल से मंत्री के खिलाफ शिकायत की है। कहा है कि जैन उनके साथ जेल में दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें जेल से बाहर आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि 8 दिसंबर को जेल में नियमों का उल्लंघन करने पर जैन को कारण बताओ नोटिस देने गए तो उन्होंने कहा, मैं सब जानता हूँ, बाहर निकलने के बाद मैं सभी को देख लूंगा, मैं जेल से सीसीटीवी फुटेज मांगूंगा और बाहर निकलकर इन अधिकारियों को देख लूंगा। शिकायत में ये भी कहा गया कि जैन का कहना है कि सारा मैटर राजनीतिक है। जिन अधिकारियों ने डीजी को शिकायत दी है उनमें जेल नंबर 7 के अधीक्षक, जेल सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, AIG जेल और लॉ ऑफिसर भी शामिल है। फिलहाल आप या दिल्ली सरकार की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नवंबर में सतेंद्र जैन के कुछ फुटेज सामने आए थे जिनमें उनको सेल में सुविधाएं लेते देखा गया था। फुटेज में कैदी सेल में उनकी मालिश करते दिखे थे। उनकी सेल में कुर्सी, टेबल और दरी भी नजर आई थी जो जेल के नियमों के खिलाफ है। इस पर बवाल हुआ था। बीजेपी ने जैन को मंत्री पद से हटाने की मांग की थी। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया इस वीडियो पर सतेंद्र जैन के पक्ष में सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि जैन बीमार है और डॉक्टरों की सलाह पर फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि तिहाड़ के वीडियो लीक कैसे हुए और बीजेपी के पास कैसे पहुंचे। साथ ही जैन की बीमारी का मजाक बनाने को उन्होंने शर्मनाक बताया। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सतेंद्र जैन की सुविधाएं घटा दी गई है। जैन के सेल से कुर्सी, टेबल और दरी भी हटा दी गई है। अब उनके सेल में सिर्फ TV है। ये सजा उन्हें कुल 15 दिनों के लिए मिली है। इस दौरान वो किसी से मिल भी नहीं पाएंगे। उन पर जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप है। उपराज्यपाल VK सक्सेना की ओर से गठित कमेटी की सिफारिशों के बाद ये फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज।